शायद अनवर ने ने आपके ऊपर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बनाया हैव तो टू तो से अबाउट दैट दिखाया था बच्चों ने कुछ यार वो मेरे लेवल पे नहीं है बच्चों को प्यार से समझाता हूँ उसको भी प्यार से समझाता हूँ अगर हंड्रेड मिलियन डॉलर नेटवर्थ है भी तुम्हारा तो भी काम पे जाओ अभी तो टाइम लगेगा कि अगर ख्वाब बेच रहे हो ना तो सबसे पहले बच्चे को ये बताओ कि मेहनत करनी पड़ेगी अगर मेरे लोगों को झूठ बोला जाएगा रिसीव किया जाएगा मैं दुश्मनों पर और मुझसे दुश्मनी ले नहीं सकते लोग अभी तक वो हॉलीवुड बॉलीवुड के उस फिल्मी चीज़ से निकले इन फेरी टेल से एंड दे के नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंट सारे कहते भी वी डिजर्व टू तो बी हैप्पी 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 हैप्पी

दैट फेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी लोगों का जहन ये है कि हम एक सेटअप लगाएंगे और हम बीच पे बैठे होंगे और हम लैपटॉप लेके बैठे होंगे और लाइफ विल बी गुड सुबह देर से उठेंगे और रिलैक्सड होंगे ना लेट गो yeah. जैसे अभी तुम तुम जिम जाते हो तुमने एक साल बड़ी मेहनत की अब तुम अगले एक साल छोड़ दो क्या तुम्हारी पिछले साल की मेहनत नजर आएगी किसी को सो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव आज के दौर में जो सेल किया गया है ना मंजन फेमिनिज्म वाला मंजन वो बड़ा ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप का मंजन है एआई इतना आ रहा है पावर में देखो एआई पावर में आ रहा है एआई दे हैड दैट टेक्नोलॉजी मे बी 8 टू 10 इयर्स अगो आपको नजर अब आ रही है

मेरा बाप जिस घर में बैठ के खाना खाता है मेरा बाप जो मोटरसाइकिल चलाता है मुझे वो मोटरसाइकिल नहीं चलानी मुझे गाड़ी चलानी है और मुझे अपने बाप के लिए अपनी फैमिली के लिए बड़ा घर लेना है शुरू मैंने किया जॉब से क्योंकि मैं अभी भी प्रीच करता हूँ कि पहले जॉब करो इतनी सेविंग कर लो कि यू हैव सीड मनी फिर समथिंग कॉल सीड मनी कि जॉब मेरी सुबह दस से आठ तक होती थी लेकिन रात के चार चार बजे तक या सुबह जल्दी उठ के मैं अपना ई बे अकाउंट सेटअप कर रहा था आप उस बच्चे की बात कर रहे हो जो मोमबत्ती की लाइटों पे 11 11 घंटे दिन में पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग hmm. उस बच्चे को आपने ए दे दिया मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि माई आई एम लिविंग द लाइफ

हम उनका सही तरह स्वागत करते हैं तो दिस इज इज कार राइट हेयर एंड ये गाड़ी के पीछे वो जरा चेक करो जरा काली शलवार कमीज में सख्त लॉन्डे हमारे <laughs> <laughs> ये पीछे मैं म्यूजिक भी लगाता हूं अंडरटेकर वाला अंडरटेकर ही सेक्सी बॉय क्या हाल चाल है सर हाउ आर यू डूइंग मूसा मूसा खान नाम भी अच्छा बड़ा है आपका थैंक यू सो सो मच एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स आज फाइनली वी हियर विद मिस्टर लॉन्ग ड्यू था हमने काफी देर पहले प्लान किया था रमजान से पहले लेकिन मैंने कहा था इनके साथ हमने एक ब्लॉग शॉट करना है जरूरी हो गया है कम्युनिटी बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने पैसे से करें अच्छा तो हाँ भाई आज हमारा शूट यहाँ पे हो रहा है विद uh, साधमी और साथ साथ ये मैंने जिम का गियर भी देखा है सो प्राउड ऑफ यू देट्स गुड वैसा लग रहा है आप वर्कआउट शर्कआउट करते हो प्रॉपर एनीवेज तो मैं इनके दोस्त हैं ठीक है तो, तो वो फ्रांस एन रजी माशाल्लाह एंड एक फ्यूचर मिलियनियर आपके साथ भी खड़ा है यहाँ पे अच्छा साथ भाई बिफोर वी कंटिन्यू विद द मेन जूसी क्वेश्चंस अबाउट बिजनेस अबाउट लाइफ अबाउट लाइफ इन अमेरिका व्हाट देसीज मेक मिस्टेक्स कोई भी बातें जो हम आज करने लगे हैं कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ी बातें आज होंगी कुछ यू नो इनके इन पे कुछ हुए हैं मतलब बातें की लोगों ने की है वगैरह नहीं था ये डिसाइडेड नहीं था लेकिन हम कर सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा नहीं जाएंगे जहां तक साध भाई ये फील लाइक ही वांट्स टू आंसर बट बिफोर दैट आई वांट टू नो यू नो एज वी आर वॉकिंग कैजुअली अराउंड द हाउस के अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताएं आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी हर्ड दिस लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा थोड़ी सी आपके आई मीन अपने चैनल पर मैं यू नो डिस्कस करें इस बात को इन अ डिफरेंट लाइट कि कहाँ से शुरू कब शुरू कराची से कब आए क्या सीन था and, uh, yeah, man, your moment? कब लगा कि यार ये सारा जो मेरे साथ हो अगर शुरू शुरू से शुरु करो तो स्कूल से बात करते हैं स्कूल में बहुत ही लाइफ थी जो कि हर एक बच्चे की होती है जिसमें लंच नहीं खरीद सकता बंदा अच्छा और uh, उस,

फेमस दोस्तों वगैरह में डिस्कशन होती है ये स्टोरी कि 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 रमजान में 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 नॉर्मली एक डील आती थी ऑल यू कैन ईट। वो 500 खर्च करने के लिए जर्नी so so the... तो ऐसी है अगर आप शुरू से देखोगे ना तो वो जो हजार पेज के जो रजिस्टर मिलते थे ना उर्दू बाजार में हाँ. उसमें पसीनों के कतरे गिरे हुए मोमबत्ती की लाइट्स में पढ़ाई करने अच्छा। खाना और अगर मैं उस बाजार में जाऊँ तो वो एक किताब आपकी होगी इसमें आपके पसीने लगे हैं। हजारों किताबें हैं किताब मैं पढ़ने में बहुत, टाइप था। क्योंकि बहुत से लोग मुझे एक मुझे बात अच्छी नहीं लगती कि काफी जो होता है मतलब पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं लिखा हुआ ये तुम्हें स्कूल टीच हैं आई थिंक गो थ्रू दैट

खेलनाथिंग कंप्यूटर डॉक्त से लोग गेमिंग की बड़ा एंटा है मैं कहता हूँ गेमिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है गुड फॉर योर ब्रेन इट्स गुड फॉर द ब्रेनिनेशन

एजुकेशन को हम ने हमने बाइबल और होली बुक का नाम दे दिया एजुकेशन को ऐसा बना दिया हमने ग्रेटर देन बना दिया yeah. हालांकि उसमें आपका बच्चा डिप्रेशन से मर रहा है आपका बच्चा पागल हो रहा है आपके बच्चा यूनिवर्सिटी जाके कॉलेज जाके स्कूल जाके पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा यू केयर आपको yeah. बस ये है कि यार ये ब्रांड करना है with, इतने और मैं उसको मार्केट करूंगा सारे अपने रिश्तेदारों में और मेरा बच्चा मेरी मर्ज़ी के प्रोफेशन में जाएगा इवन दो

ट अपने बच्चों को सॉफ्ट कर दिया बचपन के जो पहले बारह साल है ना वी हैंड ओवर एवरी थिंग बारह साल बाद हमें रियलाइज होता है यार ये बच्चा तो मेरी बात नहीं सुन रहा फिर हम करते सख्ती आपका दिमाग है पैंतीस साल के आदमी के लेवल पे उस बच्चे का दिमाग है बारह साल के यू डोन यून नो द साइंस टू कन्विंस अड Yeah, mm -hmm. आप बच्चा क्या बड़ा कर रहे हो आप बच्चे को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज में mm -hmm. तो इट टेक्स अ लॉर ऑफ स्ट्रेटेजी टेक्स अ लॉर ऑफ एफर्ट मैं स्ट्रेटेजी का वर्ड बड़ा कॉन्शियसली यूज कर रहा हूँ बच्चों को रेस करना ब्लैंक कैनवस पे ड्रॉइंग बनाने जैसा हर स्ट्रोक पे पिक्चर चेंज हाँ, होती जाएगी यस yes. तो आपकी हर स्टेप पे एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे पहले तीन साल ये करना है अगले तीन साल ये करना है टाइम देना है बच्चे को properly. I think raising the kids is the hardest job in the world and is the most rewarding and fulfilling job if done right. देखो तुमने YouTube channel बनाया ना, लोग business create करते हैं। हाँ। तुमे consistently दो साल, तीन साल, चार साल videos बनाते रहना है ना। हाँ। उसके बाद once your channel prospers, तुमे और videos बनाने, अपनी audience की expectation पूरी करने के लिए YouTube channel एक बच्चे की ज़िंदगी से ज़्यादा important चीज़ नहीं है। नहीं है। स्पाइट ऑफ दट यूर डेरी सो मच टाइम टू इट बच्चे को जितना टाइम दरकार है हम नहीं दे रहे हम अपने बिजनेस को ज्यादा टाइम देते हैं कंपेयर टू दैट खेल बट डोन्ट यू थिंक सैक्रीफाइस इज इंपोर्टेंट टू समर्प्रोर्स मिली लाइक योर सेल्फ

तो so, ये सात हशवानी हमारे साथ हैं जिनके से मैंने ये जो ओपनिंग सवाल है वो एक बड़ा मज़े का पूछना है रिसेंटली मैंने आपकी एक टेक्टॉक देखी थी रिगार्डिंग दिस वन पॉट कैस इंटरव्यू जिसमें मैंने पूछा था कि यार आप और शाहिद अनवर है जब लोगों को बात करके कोई चीज़ बता रहे होते हो वर एवर यू आर ऑलवेज़ वेरी इन लाइक स्ट्रेट मैनर या मतलब कोई सही मैनर में नहीं बोलते मैं वो बात कहना नहीं चाह रहा एग्जैक्टली लेकिन कहते हैं कि जिस तरह आप लोग बोलते हो ना कि लगता है कि लोगों को कोई नीचा वगैरह दिखा रहे हो ट देट मेरा जो तरीका है वो थोड़ा गालियों देने नहीं है। मेरा तरीका है सीधा सख्त वाला लेकिन I don't think मुझे गालियों से शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद बच्चों ने आपके बनाया। तो दिखाया था कुछ और बट uh, <laughs> यार वो मेरे लेवल पे नहीं है बच्चों को प्यार से समझाता हूँ उसको भी प्यार से समझाता हूँ uh, अगर हंड्रेड मिलियन डॉलर नेटवर्थ है भी तुम्हारा तो भी काम पे जाओ

इस चीज में लेवल पे आने के लिए उस बंदे को आपके लेवल पे आने के लिए यस ओके शो व्हाट हैव यू डन डिफरेंट दैट अदर पीपल अदर पाकिस्तानी बिजनेसमैन मल्टीमिलियनेयर हैवंट डन एंड आई नो इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन और ये बाद में पूछा जाता है लेकिन आपका इनिशियल गोल क्या है और ऐसा एंड गोल क्या है कि जो उन लोगों से डिफरेंस है व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल दैट दे हैवंट डन देखो यार इफ यू गो टू वाशिंगटन स्ट्रीट

In two years In two years okay this is my question that I wanted to ask you but since you've already brought it up mm -hmm. now you claim that um, from zero to uh, two years which I know if you have the knowledge you can do it is for example my mm youtuber channel delete ho -hmm. I still know the first steps and now I even know better I'm not starting from zero actually I'm starting from zero with experience so it's not truly zero uh, having said that egg bachaya गरीब बच्चा है जिस तरह आपकी स्टोरी थी जो हमने बात की है ठीक है अब उसको कोई आइडिया नहीं कोई पता नहीं एंड वन थिंग आई हैव टॉक टू आई हैव टॉक टू अदर मिलियनियर्स एंड आई काइंड ऑफ फाउंड आउट थ्रू माय एक्सपीरियंस के कोई आपको सीधे आंसर्स नहीं देता एंड आई नो लाइफ इज़ लाइक दैट नो बडी नो बडी विल गिव यू एवरी थिंग ऑन द प्लेट यू हैव टू फिगर इट अराउंड ऑन योर ओन आई अंडरस्टैंड लेकिन इसकी वेगनेस को मतलब थोड़ा कम करते हुए अगर एक बच्चा है जिसने शुरू करना है एक नया बिज़नेस स्टार्टअप करना है मे बी ही हैज़ ए रेवन्यू टू स्टार्ट और मे बी ही डेट से अमेरिका में भी नहीं है कहीं भी है अमेरिका की दो बात की बात है ना यहाँ पर तो घुसता ही मुश्किल है दुनिया में कहीं भी है आज की मार्केट और आज के ट्रेंड के हिसाब से क्या उसको ऐसा डिफरेंट करना चाहिए जहाँ पे ही कैन मेक इट और एट लीस्ट ही कैन डू समीस लाइक इट सगैर वेग रखे हुए वे, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक बच्चे की एग्जाम्पल लेते हैं जो लेट से अभी लाहौर में बैठा है दोनों। बच्चा बच्ची लाहौर कराची जेंडर मैटर वर्क इज इन ऑफ जेंडर अगर एक बंदा बैठा हुआ है इंडिया के किसी शहर में बैठा है पाकिस्तान के किसी शहर बैठा है बांग्लादेश के शहर बैठा है नेपाल अफ्रीका नाइजेरिया एनी वे सत्रह साल का बच्चा है जीरो पैसे कुछ भी नहीं है उसके पास आई रेकमेंड पहला स्टेप है काम पे जाओ पढ़ाई करते रहो साथ में और काम करते रहो साथ में स्टॉप बिकमिंग अ कंज्यूमर जस्ट होल्ड एंड सेफ फॉर थ्री ईयर्स फोर ईयर्स फाइव ईयर्स कोई मुझे अगर ये कहेगा साध भाई मुझे कोर्स बेच के दो साल में मिलियनर बना दो सॉरी आई एम नॉट द गायट रिप्ट ऑफ बाई लोग? यार अगर मैं तुम्हें ये क्लेम करूं कि मूसा अगर तुम आज जिम चले जाओ और तीन महीने बाद तुम्हारी बॉडी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी तो सौ में से एक या दो लोग ऐसे होंगे जिनके जेनेटिक्स जो कुदरती तौर पे उनके जिसम ऐसे होंगे कि दे वुड है मच बेटर बॉडी देन यू विद इन थ्री मंथस yeah, लेकिन बाकी नाइन्टी सेवन नाइंटी एट लोग होंगे उनको वही बॉडी बनाने के लिए आठ महीने नौ महीने दस महीने और साल चाहिए होगा जेनेटिकली वे डिफरेंट राइट जहनी तौर पर भी इंसान डिफरेंट है क्योंकि जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ जहनी तौर पर अगर मैं एक बंदे को एक चीज सिखाऊंगा ना तो सौ में से दो लड़का वो दो साल में कर लेगा लेकिन सौ में से नाइनटी लड़का उसको चार साल लगेंगे सेम काम करने में हाँ। अल्लाह ने हम सबको डिफरेंट बनाया ना मेंटली डिफरेंट तो एक बंदे को जैसे मैं जब पढ़ाई करता था स्कूल में मुझे एक एग्जाम पास करने के लिए तीन महीने पढ़ना पड़ता था और मेरा सेम फ्रेंड वही चीज पास करता था तीन दिन पढ़ के वो भी छी मारते हैं वो बच्चे होते थे वो कहते थे यार तेरे भाई ने तो कोई पढ़ाई की नहीं सला टॉप कर रहा होता था लेकिन जहनी इंसान को है ना जहन डिफरेंट दिया हुआ है प्ले चेस आई प्ले चेस अलॉट चेस खेलोगे ना तो तुम्हें इतना दिमाग खुलेगा तुम्हारा क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे ज्यादा भी जहीन कोई है चेस खेलने वाले मेजोरिटी लोग ना बाई डेफिनेशन थोड़ा सा एरोगेंट होते हैं कि हम सबसे ज्यादा होशियार हैं लेकिन यू कम टू रियलाइज के देर पीपल हु आर स्मार्टर देन यू जिनका दिमाग बोर्ड के चारों तरफ तुमसे ज्यादा चलता है इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ख्वाब बेच रहे हो ना तो सबसे पहले बच्चे को ये बताओ कि मेहनत करनी पड़ेगी ये तो कहते हैं लोग नहीं कहते, कहते हैं। नहीं कहते हुई oh yeah, है, चल है चलाते रहो भाई आई no तुम करूंगा तुमसे करते रहो अपना काम बट अगर मेरे लोगों को झूठ बोला जाएगा डिसीव किया जाएगा तो मैं खिलाफ बोलूंगा मैं दुश्मन हूँ फिर खिलाफ नहीं मैं दुश्मन हूँ फिर और मुझसे दुश्मनी ले नहीं सकते तुम ओके okay. अच्छा तो आपने मुझे ये सारी बातें बताई कि यू नो कि मेहनत एक बच्चे को करनी पड़ेगी यू के नॉट सेल देम अ गेट रिच क्विक स्कीम ठीक है और मेहनत में लेट्स से आपने कहा कि एप्टीट्यूड लेवल पे भी डिफरेंट करता है इसमें विल पावर भी तो बड़ी प्ले करती है अब मैंने इतने लोग देखे हैं आपकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपने कहा था सबसे डेंजरस वो बंदा है जो केपेबल है लेकिन लेजी है जो आपसे ज़्यादा केपेबल है करने में एंड आई नो दो पीपल अराउंड मी I was never the smartest kid agar hai na, i was very interactive with everyone hai, tha, ko ko out, questions out of the box i bet you were one of the backbenchers too and uh, yeah lekin main na, capable jo just something about them they might have more talent than you but rather than getting themselves better they try to bring you down उसमें फिर आ जाती है कि विल पावर का डिफरेंस होता है उनमें क्या होता है शुड यू अवॉइड पीपल और कैन यू मेक वॉल वोल डिफरेंस इज जो लोग केपेबल होते हैं ना उनको ये बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं कि तुम यहाँ गलत हो बिकॉज देव एन आंसर मेरी जो थ्यूरी है कि अगर कोई गलत हो उसे अकेले लेके जाओ मेक अ बिग डील

देखो एवरी वन हैज खिड इन साइड देयर ब्रेन एट सम लेवल आप बहुत से देखोगे ना बड़े मिच्योर लोग देखते दे हो देर टू बी वेरी मिच्योर एंड वेरी इंटेलिजेंट बट दे आर देर मेंटली हलोक हर एक के अपने ट्रामाज होते हैं अपनी सिटुएशन होती हैं लाइफ की जो उन्होंने जी होती हैं तो नॉट समथिंग टू मेक फन ऑफ लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसान हर इंसान से डील भी इसी तरह करो जिस तरह मैं कह रहा हूँ आपके दोस्त भी ज्यादा बनेंगे तो मैं एक चीज नोटिस करना मूसा मैं कभी किसी को किसी से मिलवाता हूँ ना

देखो इंसान को अच्छी तरह से पेश करने से वो इंसान अपने फील्ड में और प्रॉस्पर करता है और मेहनत करता है अपने इमेज को और इम्प्रूव करता है क्योंकि उससे वो एक अच्छी हाँ, गुड वाइब एनर्जी मिली अगर मैंने तुम्हें कहा कि यार ये बच्चा ये शरारते करता है ये करता है मैंने बना दिया बुरा अब वो बोलेगा मैं तो हूँ बुरा अब वो स्पायरल अब उसमें वो रॉन्ग नंबर बैठ गया अब वो कहता है मैं तो हूँ ही बुरा मैं अगर मैं विलन हूँ इस मूवी का तो मैं सबसे बुरा विलन बन के दिखाऊंगा

आप है ना अपने माँ बाप को आज की टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड जनरेशन से कंपेयर ना करो उनके पास उनकी लिमिटेड नॉलेज थी उनके पास उनकी लिमिटेड रिसोर्स थी उसकी बेसिस पे उनकी भी एक इंटेलिजेंस थी ना ट्रीट दैम एज ह्यूमस डोंट ट्रीट दैम एज एज समीरियर बींगीपल जस्टर लर्न ये जनरेशन गैप है यू हैव चैलेंज आई हैव चैलेंजेस एवरीबॉडी हैज चैलेंजेस एवरीबडीज एवरी बॉडी देर लाइफ टाइम ए शिट सैंडविच लेकिन कुछ लोगों को मिलता रहता मिलता रहता बट दे जस्ट डोंट लर्न एंड अ लॉर ऑफ किड्स है आपको क्विक स्टोरी एक बताता हूँ बड़ी सैड स्टोरी है बट एक बच्चा है मेरे एक मामू है ठीक है मेरी वाइफ के मामों इज़ अक्सेसफुल बिजनेस मैन ऑफ मल्टी मिलियन वेरी डूइंग वेरी गुड उस बच्चे ने ना कॉल की थी कि मैंने आपसे बात करनी है पहले उन्हें इग्नोर की इग्नोर की उन्हें कहा नहीं मेरे पढ़ने का टाइम नहीं तो है तो उसने कहा कि यार अच्छा ठीक है फिर तो उनके दिमाग में बैठा है उन्होंने कहा यू नो वर्ट मुझे लग रहा है कोई दाल में काला तो मैं उससे बात करता हूँ बच्चे ने कॉल मिलाई फोर्टी मिनट्स आउट ऑफ द फोटी फाइव मिनट्स ही इज़ टॉकिंग ही इज़ क्राइंग कॉन्स्टेंटली अट्ठारह उन्नीस साल का बच्चा बीस साल का कह रहे कि मेरे भाई हुआ क्या कि मेरा बाप कुछ बिज़नेस संभालता था काम करता था उसके भाई मेरे तीन भाई हैं दो भाई हैं बड़े भाई ने टेक ओवर किया अब बड़े भाई की चलती है तो हुआ कि जब बड़े भाई ने टेक ओवर किया तो वो माँ बाप ने मुझे साइड पे करना शुरू कर दिया बिकॉज ही टेक्स केयर ऑफ द फैमिली एंड एवेंचुअली हुआ क्या कि उस बड़े भाई को इतना मसला हुआ कि उस भाई से बच्चे से मैंने कहा इसको घर से निकाल दो मुझे नहीं चाहिए तो जो माँ उसको इतना लाड करती थी जो बाप उसको लाड करते थे उन्होंने उस भाई को सुन के उस बच्चे को घर से निकाल दिया उसने आके मिनते तल्ले किए माफ़ियाँ मांगी उसको घर में नहीं आने दे रहा वो बेचारा सड़कों पे घूम रहा था नाउ माई मामू आउट ऑफ हिज हिजमो गुड विल ही ऑफर्ड हिम पोजिशन जॉबर बट कहने का मतलब है कि कि लुक दैट नाउ कैन यू से रियली उनकी गलती नहीं है जनरेशनल गैप है लेट मी आंसर दैट इन अ वेरी रूथलेस वे मैं हमेशा से कहता हूं आपकी बदकिस्मती आपकी खुशकिस्मती है तुम्हें अगर ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है तुम्हें इतनी सौरोनेस इतनी सैडनेस से गुजरनी पड़ी है मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पेरेंट्स जल्दी उम्र में मर गए कोई फैमिली नहीं अकेले हैं अगर यू हैव बिन थ्रू दैट ट्रामा दैट स्ट्रेस ऑफ लाइफ इट इट्स द वर्स्ट बट टू बैड लाइफ इज नॉट फेयर लाइफ इज हार्श लाइफ इज हार्श इट्स अ गुड थिंग दैट यू अ हार्श लेसन विदाउट फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ वेरी बिग हाइट इट्स अ गुड थिंग तो मैं ये कहता हूँ तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारी खुशकिस्मती है अगर तुम्हें ये ट्रामा है तुम खुद को इतना ताकतवर बना लो इतना बड़ा बना लो कि जब तुम उस बंदे से जाके मिलो जिसने तुम्हारे साथ ये किया है ही हम्बल डन एंड ही सेज आई मिस जस्ट यू मैंने आपको गलत समझा मेरे बहुत से ऐसे टीचर्स थे बचपन अच्छा। के हुई माई सेल्फ इफ देव बेन माई लाइफ टिल नाउ दे सो रूथलेस सो डिस्ट्रक्टिव उनकी उनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं थी कि बच्चे की साइकोलॉजी समझना लेकिन उन्हीं लोगों ने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाया पावरफुल बनाया या तो मैं जाके मैं कहता हूँ मजबूत बनो मजलूम ना बनो आई एग्री मजलूम आदमी का कोई 100%. दोस्त नहीं होता दोस्त खुद को मजबूत बनाओ इतना ताकतवर बन जाओ कि लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते वर्ल्ड इज एन केयरमैन नो बडी गिव एंड इन फैक्ट मजे की बात मैं करूं आई डोंट इवन बिलीव इन अनकंडीशनल लव एनी कहते हैं कि माँ बाप का प्यार होता है अनकंडीशनल बट इज इट रियली कुछ माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है पूरी ना करो तो वो आपको उनका जो अनकंडीशनल प्यार आपको लगता है वो खत्म हो जाता है एक पॉइंट पे वाई यू डिजर्व अनकंडीशनल लव मुझे ये बताओ देखो अगर एक इंसान अपने घर के लिए अपनी सोसाइटी के लिए अपने नेबरहुड के लिए एक लीच बना हुआ है तबाही का पर्पज़ बना हुआ है एम्बेसमेंट का पर्पज बना हुआ है शर्मिंदगी का पर्पज़ बना हुआ है उसको क्यों अनकंडीशनल लव मैंने भाई What is this entitlement? Yeah, well, entitlement. Why do you deserve that? You don't deserve unconditional love as a human being. You only deserve love when you fulfill your responsibilities. अपने जो आपकी जिम्मेदारियाँ जो जो ऊपर वाले ने आपको जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं ना, कबातीन mm -hmm. को अलग दी हुई है, लड़कों को अलग दी हुई है। mm -hmm. आप अगर अपनी जिम्मेदारियां फुलफिल नहीं कर रहे हो कल को तुम अगर घर पहुंचो थके हुए और तुम्हारी वाइफ बोले कि तीन दिन चार दिन से मैं कुछ नहीं पकाऊंगी जाओ जो कल लो कर सकते Would you बोस बोस ever बोस and भी हूँ जिसका मुझे बहुत बैक आता है एंड आई आई शो यू दैट टू राइट लोग अभी तक वो हॉलीवुड बॉलीवुड के उस फिल्मी चीज से निकले नी फेरी टेल से एंड दे के नॉट डिस्टिंग बिटवीन रियालिटी एंड फैंटसी राइट और जो आपने बड़ी मजे की बात की है कि यू नो के वाई डू यू डिज़र्व दैट नाव अ डेज जिस तरह हम देख रहे हो कि सारे कहते हैं वी डिज़र्व टू बी हैप्पी 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 इट्स सो फनी दैट ऑल द टाइम्स हैप्पी आई है But all the times I've been through that struggle, that hardship. When abu father died, I was in Texas Tech and I was in West Texas A&M. एक देसी नहीं है वहाँ पे mm -hmm. मैं अकेला देसी था सॉरी uh, मैं, yeah, yeah. मैं मैं अपनी स्टोरी डिस्कस कर एंड स्प्रिंग ब्रेक में था अकेला जॉब मेरी चली गई थी सब कुछ चला गया था और उस रात को जिस रात को मैं सुबह सात बजे सोया था मैंने कहा था मैं सुबह उठ के ना अपने अबू को कॉल करूंगा मैं सोया हूँ दो घंटे बाद मेरी अम्मी की पंद्रह मिनट कॉलें कि अबू को हार्ट अटैक आ गए इन द हॉस्पिटल दुआ मांगो लिटरली उसके घंटे फोन कॉल के घंटे डेढ़ घंटे बाद आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई कजन आई वॉज ऑल अलोन इन दैट यूनिवर्सिटी नाउ इट्स अ वेरी सैड स्टोरी इफ आई मेक इट टू बी बट मैं कहता हूँ कि जो मेरी आपने जो बात की ना जो ग्रोथ उसके बाद हुई है बिकॉज आई सॉ पीपल्स टू कलर्स टू राइड आफ्टर दैट जो लोग मेरे अबू की वजह से मेरी इज्जत करते मेरे अबू बड़े इज़्ज़तदार आदमी थे बड़े मतलब रिस्पेक्ट थी उनकी लेकिन जो लोगों ने उनके असल कलर्स नजर आए हैं क्योंकि मेरे बू के हॉर्स रेसिंग में था घोड़े बहुत होते थे तो उनके ना विनर हॉर्सेज होते थे वहाँ पे तो सारे आके पड़ गए कि इतने रेट पे दे दो गलत कर रहे हैं मतलब के मतलब जो घोड़े बेचने के जो रेट थे उस पर कम बता रहे हैं बच्चे थे हमें पागल बना रहे हैं mm -hmm. अच्छा और फिर सारे आके कहते हैं हम तो आपके अबू के बड़े अच्छे दोस्त है भाई बड़े अच्छे दोस्त है ये आपके अबू ने पचास लाख रुपए देना ये मुझे दे दो तो वो जो ट्रू कलर्स लोगों के मुझे नजर आए ना उसके बाद आई फेल्ट कि यार घर की मेरी छत चली गई है अब मैं दुनिया के सामने नंगा हूँ एंड नो बडी गेम देखो अगर जंग लड़ने जाना है तो क्या तुम आ, आ, एक वॉरियर को भेजोगे एक ताकतवर इंसान को भेजोगे या एक कमजोर इंसान को भेजोगे हमें अपने लोगों को ताकतवर बनाना है क्योंकि दुनिया एक जंग है और हमारी कॉम बहुत इमोशनल है सैड टू से हमारी कॉम इमोशनल भी है हमारी कॉम में धोखे का एलिमेंट भी है हमारी कॉम में झूठ का भी एलिमेंट है एवरी मॉर्निंग यू वेक अप तुम जब एक घर से निकल शरीफ आदमी का काम नहीं है तुम जब घर से निकलते हो तो तुम एक जंग लड़ने जा रहे होते हो अब जंग लड़ने अगर मैं बच्चे को भेजूंगा ना तो मैं उसे टिश्यू पेपर दे के उसे साफ़ करके नहीं भेजूंगा कैम, उसको कैमल फ्लश लगा के वॉरियर बना के भेजूंगा अब कैम मैं ये ना लिटरली बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ फिगरेटिव कि आप बंदे का जहन इतना स्ट्रांग बनाओ मैं जो बैठा हुआ हु मैं जहन स्ट्रॉन्ग बनाने बैठा हूँ मेरी जो बात है मैं जो अपनी कॉम को अपने ही लोगों को झूठा बोलता हूँ भाई अपनी गलती मानना कोई बुराई थोड़ी है ना वो एक इंटरव्यू में मैंने आपका देखा था वो कह रहा था कि यार अपनी कॉम के लोगों को बातें करते हो लेकिन इंडिया वालों की आप बड़ी तारीफ करते हो भाई मैं कॉरपोरेट जॉब करता हूँ सारे ऑफिस में इंडियन लोग बैठे हुए हैं और सारे सुबह से लेकर रात तक रगड़ के काम कर रहे हैं और सुपीरियर पोजिशन में बैठे सुपीरियर पोजिशन में बैठे हुए आपके सी देख लो गूगल का था सुंदर पिचाई ठीक है मेरी कंपनी का मैं बताता नहीं लेकिन कंपनी का सी ई ओ इंडियन है बंदा सारे इंडियन 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 हर जगह बैठे हुए हैं भाई ऐसी क्या बात है कि वो लोग सर झुका के काम करते हैं एंड द बेस्ट पार्ट एक दूसरे को हेल्प करते हैं लेके आते हैं अपनी कंट्री से हमारा होता है मैं जैसे बात बहुत करता हूँ कि हमारे कोई बर्गर का स्टैंड पता चलता था ना ज़्यादा अच्छा है वो कहते हैं कि सॉरी फॉर माई लाइन हरामी को मुंह में टेस्ट ना आ जाए गलती से हमें पता है जब हम हमारी कोई ब्रांच नहीं है वही वाली ना हमने नहीं किसी को सीक्रेट शेयर करना बट द थिंग इज दे डोंट या असल में हमें कोई कुछ, कुछ चीज़ प्रोप्राइटरी नहीं है हम डरते इसलिए हैं कि हम एक सेटअप लगाते हैं और फिर हम सुस्त बन जाते हैं जो ग्रोथ माइंड है ना वो ये है कि आप एक सेटअप लगाओ और सेटअप जिन दिनों अच्छा चल रहा है ना उन दिनों दूसरे सेटअप की तैयारी करो जब बिजनेस उरूज पे है ना उन दिनों डाइवर्सिफाई करो लोगों का जहन ये है कि हम एक सेटअप लगाएंगे और हम बीच पे बैठे होंगे और हम लैपटॉप लेके बैठे होंगे और लाइफ विल बी गुड सुबह देर से उठेंगे और रिलैक्स्ड होंगे ना लेट गो yeah. जैसे अभी तुम तुम जिम जाते हो yeah. तुमने एक साल बड़ी मेहनत की mm -hmm. अब तुम अगले एक साल छोड़ दो क्या तुम्हारी पिछले साल की मेहनत नजर आएगी किसी को सो वट यू हैव टू डू टू कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव आप हम पैदा किए गए हैं हरकत के लिए अगर आप में मूवमेंट नहीं है यू स्टार्ट स्मेलिंग

औरतों को हमारी प्रोटेक्ट करना चाहिए यू नो पोटिंग एंड आउट द जो यू एस वेस्टर्न कल्चर हम ये सारा फॉलो कर रहे हैं ना अभी ये दूसरी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है वी कैन गो देर लेटर बट आर ट्राइंग टू से अ मैंस लाइफ इज़ वेरी हार्ड मतलब मैं तो कहता हूँ पैदा ही स्ट्रगल होने के लिए हुए हैं स्ट्रगल करने के लिए लेकिन आई गिव अ डिफरेंट प्रस्पेक्टिव देखो बायोलॉजिकली एंड सोशली औरतों को भी बहुत चैलेंजेस हैं So, when, when you say a man's life is very hard, I agree with you. But at, on the same token, I'll say a woman's life is, is more harder, if not equally harder, in, harder. In, in different avenues. Exactly. Now, what we have to realize is that don't try to become my equal. You are superior, you are bigger than me. Your responsibilities are something I can't do. I cannot bear a child for nine. actually months. you 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 can bear my responsibilities but I cannot bear your responsibilities. Actually, That's how strong a woman is. A woman is. However, आज के दौर में जो sell किया गया है ना मंजन feminism वाला मंजन वो बड़ा ही self destructive type का मंजन है। Oh, a hundred percent agree. It has hurt a lot of people in the west और अब वो असल में हम ट्रेंड देखते हैं पहले ट्रेंड शुरू होता है वेस्ट में फिर वो जाता है थोड़ा इंडिया की तरफ फिर जाता है पाकिस्तान में इंडिया में आता है मैंने देखा है इंडिया वाले रोक लेते हैं एक जगह दे देर क्रिटिकल थिंकर्स और पाकिस्तान में आता है हम तो पूरा अडॉप्ट कर लेते हैं तो कहते हैं ना हम कहते हैं कि इंडिया उनको फॉलो देख के ही आगे जा रहा है लेकिन इंडिया वाले बड़ी स्ट्रेटेजिकली तो इस चीज़ को खेलते हैं दीज गाइज आर देखो मज़हब रिलीजन और सोशल डिसिप्लिन फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली सिस्टम इज देयर टू ब्रीड कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेम्बर्स इन द सोसाइटी जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जितने भी अनप्रोडक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा प्रोपोशन नॉट ऑल ऑफ एम बहुत बड़ा प्रपोर्शन ऐसा है जहाँ बच्चे को कोई ना कोई ट्रामा लगा हुआ है फैमिली से या तो सिंगल, सिंगल मदर है सिंगल मदर है सिंगल फादर है या पेरेंट्स नहीं है कोई ट्रामा लगा हुआ है यहाँ पे जो रहता है उनको नज़र आता है ना ये स्कूल शूटर्स बच्चे सारे क्या सीन है

मेकडोनल्ड्स को ब्रांड करना है आपने छोटी उम्र से उसको दिखानी है हैप्पी मील और उसको अपना साठ सत्तर साल का कस्टमर बनाना है अगर वो हार्ट अटैक से उससे पहले ना मर जाए तो इट्स ऑल ब्रांडिंग इट्स ऑल कंट्रोल अब कंट्रोल क्या है कि देखो अगर मूसा है ना दुनिया का टॉप टेन यूट्यूबर बन गया तो अब मूसा चाहेगा कि यार मेरी कल्ट है मैं बोलूँ यहाँ चले जाओ तो सब यहाँ चले जाए मैं बोलूँ वहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाएँ इंसान का है ना अल्टीमेट जो फितरत है ना वो पहले पेट है फिर लग्जरी है फिर पावर है और जो पावर एलिमेंट जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं ना सर ये जो मिलियनर्स आप सारे देखते हैं ना वो उनकी लेफ्ट पॉकेट के लेफ्ट बटन के बराबर भी नहीं है कुछ भी नहीं तो सो मच मनी ऑफ कंट्रोल्ड और उनको चाहिए पावर तो उनका एजेंडा है कि भाई आपका घर डिवाइड हो अगर हस्बैंड वाइफ अलग होंगे दो दो गाड़ियां खरीदी जाएंगी दो घर खरीदे जाएंगे या रेंट किए जाएंगे दो लोग जॉब मार्केट में जाएंगे जॉब मार्केट इन्फ्लेट होगी वेजेस कम बच्चे को यूट्यूब बड़ा कर रहा होगा YouTube या स्कूल सिस्टम। अगर फर्ज करो 100 इंजीनियर्स निकल रहे हैं सौ डॉक्टर्स निकल रहे हैं सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जरूरत है सोसाइटी को तो क्योंकि हेल्थ इश्यूज हैं कंस्ट्रक्शन हैं लाइफ इंप्रूव हो रही है आज से 20 साल बाद तुम्हें क्या लगता है क्या सौ इंजीनियर ही होंगे आज से 20 साल बाद क्या आ, हमारी सोसाइटी जो कि वेस्टर्न सोसाइटी है ए आई इतना आ रहा है पावर में देखो ए आई पावर में आ रहा है ए आई दे अगो आपको नजर अब आ रही हमें नज़र अब यह आ रही है देखो सी आई ए के पास बहुत टेक्नोलॉजी है वी वी डोंट इवन नो दे हैव तो हमारी तो सोच भी वहाँ नहीं पहुँचती जो उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन मार्केट में इंट्रोड्यूस किस तरह की जाती है किस तरह कंट्रोल्ड इंट्रोडक्शन होता है अब जो आपके पास oh yeah, yeah, जी आप चेन की भी बात कर रहे थे, में जाता है कि तुम फ्री हो तुम्हारे पास फ्रीडम है तुम आजाद हो लेफ्ट लेफ्ट विंग राइट विंग और कोई पार्टी नहीं है अब ये आप वर्ल्ड ग्लोबल बात कर लो ग्लोब में बहुत से लोग वेस्ट में फील करते हैं हम आजाद है पाकिस्तान इंडिया में जो करोड़पति होते हैं वो फील करते हैं हम आज़ाद हैं लेकिन तुम्हें एक एक बंदा चाहिए जो गाड़ी से उतर के तुम्हें चमाट मारता है और तुम्हें पता चलता है यू के नॉट डू शिट फ्रीडम किसी के पास नहीं है यू हैव टू बी गुड बॉयज यू हैव टू बी ओबेइंग बॉयज इसलिए मैं कहता हूं कि आसान तरीका है बी द मोस्ट प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी काम करने वाले बन जाओ तो तुम काम करने वाले बनोगे ना तो सौ लोग शायद तुम्हें पसंद ना करें लेकिन एक और सौ लोग होंगे जिनको तुम्हारी जरूरत होगी एंड दे विल बैक यू अप सर आई सी दिस सो मेनी टाइम्स अभी मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई है सो पीपल so दैट आई केम अक्रॉस जिन्होंने मुझे लिटल मैसेज किए गए यू चेंज माई लाइफ और आपकी जो परसपेक्टिव है थॉट्स थिंकिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं इट हैज हेल्प मी अलाउट जिम के बारे में मैं बताता हूँ लोग मोटिवेट करता हूँ एवरी डे आई एम लाइक नो बडी गिवज इ शेट अबाउट योर फीलिंग्स फीलिंग्स पर नहीं रहना काम करते रहना सर झुका के क्योंकि सक्सेस और uh, लोग तुम्हारे लिए वेट नहीं कर रहे दुनिया आगे चलती रहेगी लोग हंसने का वेट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे फेलियर के ऊपर लेकिन फिर भी जब आप ये वेकअप कॉल देते हो ना जिस तरह मैं अभी बात भी की अपनी वीडियो में कि कहते ना जिस तरह अम्मी सुबह स्कूल के लिए उठाने आती थी तो कितना गुस्सा चढ़ता था वही इमीडिएट एंगर इन्हें फील होता है जब हमारे जैसे कोई लोग आके इनको वेकअप कॉल रियलिटी देते हैं कि यार उठ जाओ उठ जाओ दिस इज नॉट द लाइफ दैट दैट यू लिविंग एक्चुअली इट्स अ लिटिल बिट मोर देन आई एम सॉरी टू लाइफिंग देखो कोई भी चीज ठीक करने का पहला स्टेप है ना उसको गलत मानना है अगर तुम किसी चीज़ को गलत नहीं मानोगे सौ साल भी लगा लो ठीक नहीं होगा बड़ी मीन अगर मैं को, मैं कोई गलती करता हूँ ना और तुम मुझे आके रिमाइंड कराते हो मुझे उसको गलत मानना होगा फॉर मी टू फिक्स इट लेकिन अगर मैं डिफेंसिव हो जाऊँ और मैं तुम्हें बोलूँ साध भाई चाय के होटल में तो हम डिस्कशन करते हैं बिजनेस की बड़ी बड़ी साध भाई हम तो लैपटॉप लेके अमेजोन पे मिलियन बन जाएंगे दो साल में हमें तो मेहनत की जरूरत ही नहीं है वो मूवी में कहता है ना मैं तो शॉर्टकट से बनूंगा Nah. नहीं भाई आप शॉर्टकट से नहीं बनेंगे यू आर गोइंग टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल या तो पहली जो नोटिस जब यहाँ बिजली का बिल आता है पहला नोटिस आता है पहला नोटिस कौन है आशमानी बात सुन लो उसकी अच्छा। या तो गिरोगे और फिर सुनोगे जो बातें आज बुरी लगती है ना पाँच साल बाद वही सही लगेंगे हम गुजर चुके हैं इस चीज मेरे साथ हुआ ना जो बातें बुरी लगती थी जो बातें टीन एज में आप फील करते हो ना कि यार या, बोली क्या बोले जा रहे हैं दिमाग खराब कर रहे हैं अपने आप को समझते क्या हो वो एक होता है ना डिनायल मोड होता है मेरे पास बहुत से ऐसे डिनायल मोड वाले लोग हैं कि यार आप अपने आप को क्या समझते हो आपने पैसा कमाया अपने घर का कमाया होगा बेटा पैसे की बात कौन कर रहा है वो चीज है जो कि आई वुड से इट्स अ गेटवे वु

फोर परसेंट फाइव परसेंट सक्सेस रेशो है, है. ख्वाब गाली दे के, गाली से देखो यार एक बड़े इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि प्रोडक्ट अच्छा ना हो ना तो मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए मुझे बल्कि ये 90 बल्कि बहुत से बिजनेसमैन मैन कहते हैं uh, like ये हमारी बात अभी हो रही थी लेकिन इस पे वापस आएंगे यूर एन ऑनटरप्रन इन टू सेल्स प्रोबेबली सेल्स का काम करते वगैरह एक बच्चे के पास प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ कोई भी कर रहा हूँ हाउ डू यू बिकम अ गुड सेल्स मैन हाउ डू यू मार्केट योर सेल्फ मार्केटिंग किस तरह करें क्या स्ट्रैटेजी है कि वो बच्चा अपनी मार्केट को सेल कर सकता है नाव यू डेट से विजडम लोगों को दो प्यार दो एंड अन पीपल इज पीपल बाई फ्रोम पीपल दे लाइक ये भी एक बड़ा एलिमेंट होता है बट अपार्ट फ्राम दैट एक स्मार्ट और एक चलाक वे भी कहते हैं एक तरह से होता है टू सेल योर प्रोडक्ट इवन दोडक्ट इज नॉट दैट गुड वट थिंक लाइक हाउ परसन शुड गो अबाउट दैट इज इट अबाउट द प्रोडक्ट या फिर जिस तरह वो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं वो ज्यादा मैटर करेगा प्रोडक्ट <coughs> क्या चीज़ है आसान लफ्जों में प्रोडक्ट एक मसले का हल है प्रॉब्लम लेट्स टॉक अबाउट कार्स गाड़िया आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं एक मसला था टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बंदा ड्रेन हो जाता था खाना खत्म हो जाता था पानी खत्म हो जाता था गाड़ी दे 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 आ गई गाड़ी आ गई प्रॉब्लम सोल्व घर क्या है शेल्टर देता है आपको प्रोडक्ट है ना घर भी बारिशों से बचाता है तूफान से बचाता है चोरी से बचाता है बहुत सारी चीजों से बचाता है एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो हर प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सीखो ह्यूमन साइकोलॉजी सामने वाले की क्या नीड है मूसा को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको क्यों प्रॉब्लम है उसकी साइकोलॉजी क्या है व्हाट्स द प्रॉब्लम बिहाइंड इट आप उसकी साइकोलॉजी समझोगे देन यू गोना कम टू कंक्लूजन कि यार मैं ये बनाता हूं तो इसका ये मसला हल हो जाएगा रात में इसको नींद नहीं आ रही नींद की गोली बना लेता हूँ या ये एक्सरसाइज करता है एक्सरसाइज करने के बाद इसको हाँ रूटीन बना लेता हूँ प्री वर्कआउट बना लेता हूँ या छोटे लेवल पे कि वो चलने जाता है तो उसके पुराने चप्पल रगड़ जाते हैं तो मैं एक अच्छे से जूते बना लेता हूँ जो अभी नए जूतों की भी मार्केट लास्ट टेन एय में बड़ी प्रमोट हुई है विद ब्रांडिंग अच्छा ये तो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्रांडिंग जिसकी वजह से हमारे लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि मैं इसको क्यों सिखाऊँ अपना हुनर मेरी दो चार बच्चों से बात हुई थी जिनको मैंने कहा कि यार तुम्हें ये स्किल आता है तुम चार लाख रुपये पाकिस्तान में बना रहे हो मंथली मैं चाहता हूं कि बच्चा कमाए बीस हजार पच्चीस हजार पचास हजार घर बैठे बैठे माँ बाप की हेल्प करे तीन बच्चे हैं तीन बच्चे कमाए पचास पचास हजार घर में एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगी सब काम करते हैं कहता है नहीं साहद भाई मैंने तो ये बड़ी मुश्किल से सीखी है मैं क्यों सीखाऊँ लोगों को यही तो बात मैं कह रहा था पाकिस्तानी होगा लेकिन उसका वो क्यों इशू है प्रोप्राइटरी नहीं है ब्रांडिंग नहीं है प्रोडक्ट का नेक्स्ट स्टेप होता है ना पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करो अब वो प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर लिया है तुम्हे पता है कि हजार और लोग अब सॉल्व कर लेंगे पहिया बन गया एक बार

थर्ड चीज जो मैं कहता हूँ हर बंदे को आनी चाहिए इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट अगर दो रुपए की बनाई है तो पांच रुपए की बेचोगे ये पता होना चाहिए लेकिन अगर दो रुपए की कॉस्ट आ रही है और डेढ़ रुपए की बेचनी पड़ रही है तो आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आती मनी मैनेजमेंट नहीं आई तो तीन चीजें हैं सबसे पहले तो ह्यूमन साइकोलॉजी उसके बाद प्रॉब्लम हल करना सीखना उसके बाद ब्रांडिंग करना एंड देन लास्ट इज मनी मैनेजमेंट सो दीज फोर थिंग्स आर देयर वेरी गुड आंसर। एंड आई सॉ टिक टॉक रिसेंटली एक औरत बात रही थी कई थी डिफरेंस बिटवीन पुअर एक होता है एक मिडिल क्लास होती है और एक होता है रिच क्लास ठीक है पुअर होती है वो क्या करती है उनको जैसे ही पैसे मिलते हैं ना वो बिल्स वगैरह अपने इधर उधर यू नो उसमें लगा देती है बिल देती है खाना पीना खा के उड़ा देती है मिडिल क्लास होती है ठीक है इंजीनियर डॉक्टर्स बनते हैं ठीक है वो अपना पैसा एजुकेशन की तरफ लगाते हैं मे बी सम स्टॉक बट रिच द रियल रिच what they do is they take every every dollar they have is the little soldier that they send out to make more money every single dollar is to make more dollars basically to make more money so just humne money management ki baat ki i think that plays into it right jo bhi tumhe paise mile hain usme se aadha se zyada ya aadha capital tumne aage expansion mein laga dena मैं एक कहानी बताता हूँ और फिर एक मिसाल देता हूँ तुम्हारी बहुत अच्छी बात की है तुमने <laughs> मैं जब नया नया अमेरिका आया था तो मैं एक मॉल में जॉब करता था

तो मैंने उसे कहा कि आ, तेरे अब्बा के पास इतना पैसा है तो भाई तू काम क्यों कर रहा है जा ऐश कर पढ़ा कर पढ़ाई और ऐश कर जो हमारा हाँ, तो पाकिस्तानी भाई मैं वहीं मैं वहीं से आया कोई आई एम नॉट स्पेशल मुझे गलत बोला गया मैंने ठीक किया उसने मुझे ये कहा कि मेरी फैमिली मेरे घर वाले बिलीव करते हैं कि हर बंदे को अपना करना है वो मेरे अब्बू की चीजें हैं मेरी नहीं है वो सो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस उनके जहन में अब जो तुमने बात की ना आ, आ, कि हम हम आ, काम करके बिल्स भरते हैं देखो एक एवरेज पर्सन है ना वो जब जॉब पे जाता है ना तो वो जॉब पे इस जहन से जाता है और इतनी ही मेहनत करता है जितने में उसके खर्चे पूरे हों मिसाल देता हूँ एक बंदा सुबह उठता है 10 बजे ये पाकिस्तान की एग्जाम्पल है दस बजे ग्यारह बजे, बजे उठता है सुकून से नाश्ता करता है शलवार पहन के अपनी और उस नाश्ते के बाद बारह बजे साढ़े बारह बजे जॉब पे पहुंचा रात को वो घर वापस आता है आठ नौ बजे या दस बजे दस बजे ले लो एक्सट्रीम सरकम ले लो अब दस बजे आने के रोज, रोज बाद तुम, तुम, तुम ऐसे ही रहोगे क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो फ्यूल करती है वो रोज अपनी औकात याद दिला रहे होते हैं हमें की तुम्हारी औकात ये बहरहाल वो बंदा देखता है न्यूज और फिर वो सो जाता है और वो पचास साल तक ये काम करता है अब इसके बरक्स वो बंदा ले लो जिसे जिसने थोड़ा सा सीख लिया है जिसने मुझसे सीखा है जिसने ऑनलाइन सीखा है दूसरे लोगों से सीखा है छः बजे उठता है अपना ऑनलाइन स्किल्स लर्न करता है कुछ ना कुछ सीखता है फिर वो नौ दस बजे अपना ब्रेक लेता है नाश्ता करता है नौ दस बजे के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है फिर काम पे चले जाता है काम से वापस आने के बाद वो दोबारा अपनी ऑनलाइन स्किल्स पे वर्क करता है फिर पाँच घंटे छः घंटे सात घंटे सोता है और उस बेचारे को जो कि खुश नसीब है बंदा उसको ये ये काम सिर्फ साल करना है। है वो वो क्विट कर सकता है अपनी स्किल्स की बेस पे। yeah. और मैं ये बहुत ही ज़्यादा बोल रहा में दूसरे भी रास्ते हैं आगे बढ़ने के ये वहां नहीं है मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ मोसा पढ़े लिखे लोग उबर चला रहे हैं अच्छे चला, पे पे चला, है। चला रहे क्यों ग्रोथ माइंडसेट है रोते नहीं रह रहे मुझे टिपिकली लोग ऐसे मिलते थे जो रोते रहते थे कि यार हालात बुरे हैं ये बुरा है वो बुरा है मुझे ऐसे लोग मिले हैं कहते हैं साद भाई तीन साल से चला रहा हूँ ऊबर भाई को दुबई भेज दिया इससे भाई को दुबई भेजने के बाद भाई का काम लगा यहाँ दो गाड़ियाँ और लगा लिया ना तो के बिजनेस में वैसे ग्रो कर रहा है जैसे लोग कॉर्पोरेट जॉब में नहीं करते माइंड की बात है तुम्हारा जहन अगर हरा हुआ है ना तो तुम कहीं नहीं पहुँचोगे लेकिन अगर तुम्हारा जहन ये बोलता है कि यार मेरा बाप जिस घर में बैठ के खाना खाता है मेरा बाप जो मोटरसाइकिल चलाता है मुझे वो मोटरसाइकिल नहीं चलानी मुझे गाड़ी चलानी है और मुझे अपने बाप के लिए अपनी फैमिली के लिए बड़ा घर लेना है तुम्हारी अगर सोच ये है ना तो तुम काम उस तरह करोगे बैंक में पैसे नहीं होंगे तुम काम उस तरह करना शुरू करोगे तो मैं कहता हूँ कि वो आदमी बन जाओ जो मिलियन है मिलियन तो तुम बाद में बनोगे बाद में बनोगे एटीट्यूड होना चाहिए सारा काम है एटीट्यूड का अगर तुम्हारा एटीट्यूड ये है कि मैं मीडियोकर हूं और मैं कभी आगे नहीं जाऊंगा तो तुम नहीं जाओगे लेकिन अगर तुम्हारा एटीट्यूड ये है कि मेरे दादा पर दादादा और सारी जो जनरेशन आ रही है उसके बाद एक मर्द का बच्चा पैदा हो गया इस घर में अब मर्द का बच्चा पैदा हुआ है और वो बदल के दिखाएगा इस घर के हालात ऐसी की तैसी ऐसी की तैसी तुम करके बताओगे घर और वही बात आ जाती है कि यू विल हिट द वॉल सो मेनी टाइम्स मैं बार बार अपनी एग्जाम्पल पे ला रहा हूँ बट मैं उससे सेगवे कर रहा हूँ ना बात को कि मैं यूट्यूब अब डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ रोज़ मैंने कल बात बताई कल मेरी पप्पो फोत हो ही है सोल you know, कल की बात है मैं बैठा हुआ था हमें बाची खा रहे थे मैं और मेरी वाइफ मेरे कज़न ने मुझे मैसेज किया पप्पो पास टू आई वॉज वेरी क्लोज टू हर आई कूड क्राइड अबाउट माई प्रॉब्लम बिकॉज आई डेंट फील लाइक इट मुझे रोना आने वाला था और मैं ब्लॉग रहा था मेरी वाइफ ने कहा चलो चलते हैं छोड़ो कुछ नहीं होता मैं कहा नहीं मैंने कहा ये मैंने प्रोडक्ट ये डिलीवर करना है सेम स्म सेमस आई केप्ट ऑन गोइंग वो बंदा है बाची में डांस करके बना रहा उसके साथ बना रहा हूँ फिर हम चाय वाली जगह पे भी गए हैं उसके बाद ब्लॉग बंद हुआ है like, right? uh, हमें कुछ ट्रॉमा फेस हुआ कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार इमोशंस में रहना चाहिए वगैरह मोर्न करना चाहिए वो करना चाहिए बट वही बात आ जाती है कि एक माइंड की बात है आप

कोई बात आ जाती hitting the wall. And हो ये करना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं था लेकिन तुम्हें ऊपर वाले ने वो उन experiences से गुजारा है वो रेजिलियंस पैदा की है तुम्हारे अंदर वो कहते हैं ना इम्यूनिटी इम्यूनिटी yeah. mm -hmm. बार बार बुखार होता रहे तो फिर बुखार ही ना हो बाद में बार बार कोविड होता रहे तो आप इम्यून हो जाओ उस चीज से तो आपको ऐसे हालात से गुजारा है कि आप इम्यून हो गए हो यानी आपकी बदकिस्मती आपकी खुशकिस्मती बन गई है वही बात शुरू वाली अगर हम बात करते हैं आपके बिजनेस वाली से शुरू करते हैं ना वेन यूर मैंने सुना है इतना मुझे पता है कि you with the phone business, right? कितने आपको साल लगे और कितनी दफा ये वाली फीलिंग आई कि बस अब नहीं हो रहा मेरे से और मैं क्विट कर रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ

डोंट कम विद मनी तो ये जो लोग सोचते हैं नहीं यार इसको तो अंकल ने दे दिए होंगे अबू ने दे दिए होंगे कोई किसी को कुछ नहीं देता सिवाय विजडम और नॉलेज के तो सेल्फ मेड भी कोई नहीं है लेकिन किसी ने किसी को पैसे भी नहीं दिए नंबर वन शुरू मैंने किया जॉब से क्योंकि मैं अभी भी प्रीच करता हूँ कि पहले जॉब करो इतनी सेविंग कर लो कि यू हैव सीड मनी फिर समथिंग कॉल सीड मनी लेकिन अभी जो मैंने तो मैं मिसाल दी कि जॉब मेरी सुबह दस से आठ तक होती थी लेकिन रात के चार चार सुबह जल्दी उठ के मैं अपना अकाउंट सेटअप कर रहा था 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 अमेरिका आते ही पहला स्टेप था। पहला स्टेप स्टेप कि मुझे कुछ करना है जॉब कर रहा हूं अपनी साइड में दो दिन कॉलेज जा रहा हूँ अपने बाकी सातों दिन मेरा बिजनेस है ऑनलाइन मुझे शुरू करना है मैं सातों दिन दूंगा उसको मैं घंटे नहीं गिना तो लोग जो बोलते हैं ना यार अमेरिका में आप लोग घंटों के पैसे बनाते हो नहीं भाई हम घंटों के शुरू में पैसे नहीं बनाते थे

I remember was was big. Uh, eBay was pretty big pretty at that time. Uh, yeah. तो product source दिया अच्छा नए नए थे country में knowledge कुछ नहीं थी बस ये समझ में आ रहा था कि profit बन रहा है कोई financial knowledge नहीं थी कुछ ऐसी knowledge नहीं थी ये पता था कि पैसे जमा करने और काम करते हैं तो आई worked सिक्स डेज अ वीक और एक दिन जो छुट्टी का मिलता था उसमें कॉलेज जाता था और कभी कभी दो दिन छुट्टी के लेके दो दिन कॉलेज की पढ़ाई करता था असाइनमेंट्स वगैरह और बाकी पांच दिन काम करता था उन पांच दिन में काम के जॉब के दस घंटों के बाद भी एक और चार पांच घंटे काम करता था

वो बच्चा जो पाकिस्तान में बीस बीस रुपए जोड़ के बीस बीस रुपए जोड़ के रमजान डील ले रहा है बसों के धक्के खा के कॉलेज जा रहा है मजाक उड़वा रहा है अपना लोगों से उसको लोग ये रोज याद दिलाते हैं कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है स्कूल स्कूल में टीचर्स इंसिनुएट करते हैं कि आपके दूसरे पैसे वाले दोस्त होते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है यू कैन टेल के यार मैं कुछ नहीं हूँ वो बच्चा उस वो यहाँ पे आया हुआ है उसके पास एक सादी सी गाड़ी है गाड़ी होना ही मेरे लिए समझो लेमबिनी के बराबर है गाड़ी होना ही एक गाड़ी है उस गाड़ी में मैं जॉब पे जा रहा हूँ और एसी चल रहा है उस बच्चे की बात कर रहे हो जो मोमबत्ती की लाइटों पे 11 11 घंटे दिन में पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग की उस बच्चे को आपने एसी दे दिया मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि माई आई एम लिविंग द लाइफ दिस इज लग्जरी फॉर मी बहुत से लोगों के लिए आम बात है मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी इन सर्कमस्टेंसेज में मुझे लगता था आई मेड इट अभी जो अभी जो लोग कहते हैं ना कि यू मेड इट भाई आई मेड इट टेन ईयर्स अगो एक इंसान होता है ना जिसका जहन ये होता है कि यार मुझे ये चाहिए और वो मिल जाए भाई मैं सुकून से रेस्टोरेंट जा पा रहा हूँ मैं खाना खा पा रहा हूँ मैं जॉब मुझे काम मिल रहा है मुझे रोजगार मिल रहा है आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज और पाकिस्तान से आया हुआ बच्चा इंडिया से आया हुआ बच्चा बांग्लादेश से आया हुआ बच्चा वो जब आंखें खोलता है ना उसको तो यहाँ यहाँ से अपॉर्चुनिटी देख रही है वहां से अपॉर्चुनिटी देख रही है वो जिसे देखनी है आई वर्क लाइक क्रेजी ड्यूरिंग दोस्त पढ़ाई भी की फिर मैंने क्या किया अपनी अच्छी बली जॉब छोड़ के थोड़ा रिबेलियस था मैं लबक चला गया कि कॉलेज लाइफ जियेंगे पैसे भी जमा कर लिए थे अच्छे खासे बिकॉज आई ऑनलाइन स्टोर मैं सुबह जब उगता था तो मेरी पाँच प्रोडक्ट्स बिक चुकी होती थी आई मेड माई हंड्रेड डॉलर फॉर द डे सो आई वॉज फीलिंग लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड

अल्लाह का शुक्र है पेरेंट्स अच्छे मिले अच्छी चीजें सिखाई मैं मेहनत करूंगा पैसा कमाऊंगा अपनी सेहत पे फोकस करूंगा आई एल बी फॉर माई सेल्फ किसी और को क्या बेचना मुझे अपने आप हाँ को बेचना है बहरहाल आई वेंट टू लबक अब मैं लबक गया अब जिंदगी की रियालिटीज हिट करना शुरू हो गई कि आयुषमानी भाई समझ रहे हैं कि यार आई हैव है ऑनलाइन बिजनेस अब मुझे जॉब की भी जरूरत नहीं है मैं अच्छे खासे पैसा कमा रहा हूँ मैं जाऊँगा कॉलेज लाइफ जीऊंगा पढ़ाई करूंगा मेहनत से लेकिन कॉलेज लाइफ जीऊंगा अचानक से एक सुबह मैं उठा मुझे एक पिक्चर आई हुई थी मेरे ई पे या टेक्सट पे उस वक्त व्हाट्सएप नहीं उस पिक्चर में लिखा था कि मुझे किसी ने लॉ सूट किया है किसी ने शू किया है तो पता ये चला कि एक ब्रांड था जिसकी प्रोडक्ट मैं बेच रहा था ई पे उसने मुझे सूट में उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि आपको बीस हजार डॉलर हमें फाइन देना है और अपना जितना भी प्रोडक्ट है आपके पास वो सारा हमें दे देता